आज हम बात करेंगे आर्मेचर बैटर क्वालिटी का देखना हो समझना हो तो कैसे देखा जाए। जैसे हमने पिछले वीडियो में स्पेयर पार्ट्स के ऊपर बात करी थी, आज हम स्टार्ट करते हैं आर्मेचर में क्या क्वालिटी देखनी चाहिए। आप आर्मेचर को वन बाय वन देखिए। दिस वन इज ए PD100, दिस वन PD100M, 220, 801, 6-100, MT410, CM4SA, 26mm with ब्लैक सील। यहाँ बैरिंग स्लिप होके कई बार कमेंटेटर को ख़राब कर देता है, तो दैट इज़ वाई यहाँ रबड़ लगी है, सेम टू ओरिजिनल, जैसे बॉश ओरिजिनल यूज़ करते हैं। दिस वन इज PD100D, दिस वन G15SA2, दिस वन इज फॉर द ग्राइंडर, स्ट्रेट ग्राइंडर, GCO 2000, 28710, 14STD। अब वन बाय वन हम इस बात की बात करते हैं। देखिए ये आर्मेचर जो है डबल इंसुलेशन है, और डबल इंसुलेशन देखने के लिए बड़ा इजी मेथड है कि आप इस जगह फोकस करिए, यहाँ डबल इंसुलेट है। जब हमारे इंडिया में वोल्टेज फ्लक्चुएशन होता है, वोल्टेज जब गड़बड़ाते हैं, तो सिंगल इंसुलेशन आर्मेचर उसकी लाइफ सर्वाइव नहीं कर पाती, डबल इंसुलेशन उसको सर्वाइव कर पाता है। फिर ये देखिए, ये कमेंटेटर सिल्वर कोटेड है, और ये ब्लू ग्लो जो है ये जर्मन ग्लो है, जो 200-250 सेल्सियस पर बराबर, जब टेम्परेचर इतना हाई होता है मशीन में, ग्लो डाली जाती है। और अगर प्रॉपर कार्बन ब्रश इसमें डलें तो इसकी लाइफ काफ़ी बढ़ जाती है। जैसे ग्रेफाइट जो उसका ग्रेड होता है कार्बन का, वो प्रॉपर होना चाहिए। ऐसा नहीं जो कार्बन बैटरी सेल जो हम इस्तेमाल करते हैं वॉल क्लॉक में डालते हैं ना, उसके अंदर भी कार्बन होता है, तो कई लोग जो है वो कार्बन घुसा देते हैं मशीन में, तो मशीन का बेड़ा गर्क हो जाता है, क्योंकि उसका ग्रेफाइट ग्रेड जो है वो बहुत हार्ड होता है। ये प्रॉपर पावर टूल्स के अंदर अर्थ देने के लिए प्रॉपर कार्बन डाले जाएँ तो इस आर्मेचर की लाइफ 1200 आवर्स भी हो सकती है, अगर प्रॉपर इसकी देखभाल की जाए। ये देखिए 6-100, बिल्कुल एज इक्वल टू ओरिजिनल। ये 607 बैरिंग पीछे डलता है, कई बार बैरिंग स्लिप होके कमेंटेटर को ख़राब कर देता है, तो पहले ही यहाँ सील लगा दी गई। और सील इसलिए कि बैरिंग और कमेंटेटर में प्रॉपर कनेक्टिविटी ना आए। एक बात मैं आपको और बताता चलूँ, हमारे ब्रांड में, हमारा ब्रांड जो अमार गोल्ड है, प्रोफेशनल इक्वलेंट टू डॉन चैंग, जैसे डॉन चैंग के आर्मेचर हैं उससे भी बेटर क्वालिटी के आर्मेचर हैं। देखिए ये बड़ा आर्मेचर है, इस पर सारा लोड इसकी शाफ्ट पर है, इस टीथ पर है, और ये EN31 टीथ पर स्टील में तैयार करी हुई शाफ्ट है। इसीलिए कि लोड जो है वो प्रॉपर गियर का जब आर्मेचर पर पड़े तो आर्मेचर की शाफ्ट कभी ना कटे। अगर आप आर्मेचर की शाफ्ट को ज़रा भी कच्चा छोड़ देंगे तो कभी सक्सेस होगी नहीं। तो इनको बिल्कुल प्रॉपर लेबॉर्ट्री में ओरिजिनल से मैच किया गया है, वही ग्रेड का स्टील लिया गया है, वही ग्रेड पर ये शाफ्ट CNC से काटा गया है। सेम यही है, इसके अंदर भी शाफ्ट का सारा लोड है। आप हमारी शॉप पर आएँ, देखें एक बार, सैंपल हाथ में लें, बहुत हैवी है, बिल्कुल इक्वलेंट टू ओरिजिनल। और ग्लो देखिए इसके अंदर कितनी स्ट्रॉन्ग ग्लो डाली गई है, कमेंटेटर सिल्वर कोटेड, बहुत इजीली आप देखेंगे तो आपको सिल्वर नज़र आएगी। सेम इसके अंदर देखिए, ग्लो देखिए कितनी ज़बरदस्त डाली गई है, इसीलिए कि इसकी लाइफ प्रॉपर रहे। और थ्रेड का डाल दिया गया है ताकि कॉपर इंटैक्ट रहे, हीट को कंज्यूम करे, हीट को रिजिस्ट करे, जितना वाट रिक्वायर्ड है उतने ही वाट का तार डाला गया है ताकि आर्मेचर की लाइफ हो। ये देखिए इसका टीथ, आप इसको दिखाइए थोड़ा, इस टीथ को ये देखिए कितना स्ट्रॉन्ग टीथ है। गियर पर और आर्मेचर की शाफ्ट पर कोई लोड ही नहीं आने वाला। और यहाँ देखिए सिल्वर कोटेड कमेंटेटर स्ट्रॉन्ग ग्लो के साथ। ये G15 5-inch ग्राइंडर हिटाची का, बिल्कुल ओरिजिनल के साथ मैच किया है इसको, सेम एकदम प्रॉपर। अगर आप हिटाची ओरिजिनल भी लें और उससे मैच करें, बिल्कुल सेम। ये देखिए PD100 है,
ये मकीता मॉडल है, मकीता MT 410 के प्रॉपर एकदम इसके अंदर ग्लो है। मार्बल कटर हिटाची सबसे ज़्यादा सेल होता है, CM4SA। ये देखिए 26 mm इस टाइम सबसे पॉपुलर मशीन है। इसमें चीजल भी है, ड्रिलिंग भी है, हैमर भी है, इसकी शार्प भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। देखिए और सबसे फेवरेट आजकल 801 ग्राइंडर है। ग्लो देखिए इसमें कितना डाला गया है, क्योंकि इसके राउंड स्पीड फास्ट है, हाई है, तो इसको भी 200-250-280 सेल्सियस पर हीट देकर ये जर्मन ग्लो डाला गया है, ताकि इसकी लाइफ बढ़े, इसकी स्ट्रेंथ बढ़े। फिनिशिंग बैलेंसिंग देखिए कितनी स्ट्रॉन्ग है, और फैन भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। हर आर्मेचर का फ़ैन इतना स्ट्रॉन्ग है, आर्मेचर पूरा फूक जाएगा, फ़ैन हिलने वाला नहीं है। ये हमारा फेवरेट 220 है। इसमें भी आप अगर कमेंटेटर को फोकस करें थोड़ा पास लाके, तो आप देखेंगे कि कमेंटेटर साफ नज़र आ रहा है, सिल्वर कोटेड, हाई क्वालिटी कमेंटेटर है, ताकि कार्बन का जो रिजिस्ट है, स्पार्क है, ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब कर ले। तो जब ये एब्जॉर्ब करेगा तो लाइफ इसकी डबल ट्रिपल काफ़ी लंबी हो जाएगी। आप कंपैरेटिवली ये देखिए, ये सिंगल इंसुलेशन आर्मेचर है, और इसके अंदर जो है अगर वोल्टेज फ्लक्चुएशन होता है तो ये रिजिस्ट नहीं कर पाएगा, बर्दाश्त नहीं कर पाएगा और जल्दी फूक सकता है। और अगर फील्ड कॉइल वीक होती है तो अगर एक साइड की भी वीक हुई तो ये फ़ौरन फूक जाएगा। और डबल इंसुलेशन होने से हमें एडवांटेज है कि हमारा आर्मेचर अपनी जगह खड़ा रहेगा, फील्ड कॉइल चाहे पूरी भी चली जाए। तो ये कुछ बातें थी आज हमने इस वीडियो में आर्मेचर को लेकर ली। आप अमार गोल्ड आर्मेचर के लिए दिल्ली पावर टूल आ सकते हैं, और हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि आपको कोई लिमिटेड ऑफर में ही माल लेना होगा। आपको पूरी ये राइट्स है कि आपका जितना रिक्वायरमेंट है आप माल लें, अच्छा माल लें। हमारे ड्रिल मशीन, एंगल ग्राइंडर, डेमोल्यूशन, जितनी ये मशीनें हैं कंस्ट्रक्शन रिलेटेड, इसके अंदर जो रिपेयरर है, जो कोई मेहनत कर रहा है वो पूरी करता है, लेकिन अगर आर्मेचर ख़राब डाल दे, वो आर्मेचर ख़राब उसका पीछे से हो, तो उसकी पूरी मेहनत बेकार हो जाती है। 4 घंटे में एक मशीन तैयार होती है और वो सब गड़बड़ हो जाता है। तो इसलिए उसकी मेहनत तो पूरी लगी, और क्वालिटी और एरर जो है वो मिस्टेक है, पीछे से मैन्युफैक्चरिंग का या डिफेक्ट है क्वालिटी का। तो मैं एडवाइस करूँगा, अच्छा आर्मेचर लीजिए, डबल इंसुलेटेड, सिल्वर कोटेड कमेंटेटर, हाई वोल्टेज पर रजिस्ट करने वाला, 200-300 सेल्सियस पर ग्लू डलिए, जिसके अंदर वार्निश प्रॉपर हो, वायर पूरी हो, वाट्स को कंसीडर करके प्रोफेशनल मैनर में बनाया गया हो। आई होप यू लाइक माई वीडियो, और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल। पावर टूल से रिलेटेड हम मशीनों के ऊपर भी वीडियो बनाते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल, केम शो, सुगंधन्य, अमी को वाले भालो वाशे, गुड बाय।